नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं राकेश बांगरे जी जो सेंट्रल जेल इंदौर के सुपरिंटेंडेंट जी हैं। जी नमस्कार, बोलिए राकेश जी कैसे हैं? क्या डॉक्टर साहब, आज मैंने आपके कुछ न्यूज़पेपरों में एक कोरोना वायरस जो वर्तमान में काफ़ी फैल रहा है और ज़्यादा जो आपका न्यूज़ मैगजीन मैंने पढ़ा कि होम्योपैथिक के माध्यम से इस वायरस का इलाज या इसकी बीमारी का जो इलाज किया जा सकता है, तो चूंकि मैं सेंट्रल जेल में जेल सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्य कर रहा हूं, तो मुझे एक जिज्ञासा हुई कि जो आपका मैगजीन में जो आपने कही थी कि इसका इलाज होम्योपैथी के माध्यम से हो सकता था या हो सकता है, तो चूंकि हमारे जेल में लगभग प्रतिदिन 30-40 विचाराधीन कैदी, दंडित कैदी और विभिन्न क्षेत्रों से जो अपराध करके आते हैं वो लोग आते हैं, तो चूँकि जेल में एक निश्चित एरिया होता है और उस एरिया में उनको रखना पड़ता है, जो पहले से हमारे जेल में बंदी होते हैं उनके बीच ही इन बंदियों को रखना पड़ता है, तो ये हम कैसे पहचान पाएंगे कि जो नया व्यक्ति हमारे जेल में आ रहा है वो इस वायरस की चपेट में या इस रोग से ग्रसित है, और यदि है तो अन्य बंदियों से हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और इसका उपचार क्या हो सकता है, इसकी पहचान कैसे हम कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया राकेश जी आपने। एक्चुअली क्या है कि जिन ऐसे कैदी जिनको बार बार सर्दी जुखाम हो जाती है, यदि उनको सर्दी जुखाम होने के साथ में श्वास की परेशानी लग रही है, तो उनको आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए या MY भेज करके उनका चेकअप कराना चाहिए। और जिस समय नए कैदी आते हैं या नए लोग वहाँ पर मिलने आते हैं, तो उनका विशेष ध्यान रखें कि उनको सर्दी जुखाम के साथ श्वास की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। हालाँकि जेल में बहुत सीमित लोग ही आते हैं तो इतना कठिन नहीं है, परंतु यदि किसी कैदी को बहुत दिन तक सर्दी जुकाम है या उसको श्वास में परेशानी होने लगी अचानक से, या फिर एक साथ कई सारे कैदियों को श्वास की परेशानी या सर्दी हो जाए, तब आपको उनको या तो MY भेज करके जांच कराना चाहिए या फिर फिजिशियन को दिखाना चाहिए। अभी बहुत बड़े लेवल पे देश में नहीं फैला है तो इसलिए अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि एक बंद परिसर है और वहाँ पे 2200-2500 कैदी होते हैं। एक बार अगर परेशानी होती है तो सबको फैल सकता है क्योंकि एयरबॉर्न डिसीज है। आपका मतलब सोचना कैदियों के प्रति निश्चित रूप से बहुत जायज़ है, तो ऐसा कभी भी लगे तो आप हमको भी बात कर सकते हैं और MY की मेडिकल टीम को भी बात कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ 10-15 या 50 से ज़्यादा कैदियों को सर्दी जुखाम बना हुआ है या उनको श्वास की परेशानी हो रही है, तो हम उनको निःशुल्क होम्योपैथिक दवाई दे देंगे जो बताओ प्रिवेंटिव काम करेगी। हमारी होम्योपैथिक दवाइयों में हम लोगों ने देखा है पॉजिटिव रिजल्ट्स डेंगू के प्रिवेंशन के लिए, चिकनगुनिया के प्रिवेंशन के लिए, तो जितनी भी वायरल बीमारियाँ होती हैं उनका चूँकि दूसरी चिकित्सा पद्धति में बहुत अच्छा कारगर इलाज नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में बतौर प्रिवेंटिव दवाइयाँ खूब अच्छा काम करती हैं और आयुष मंत्रालय ने प्रॉपरली एडवाइजरी जारी करके डिक्लेयर किया है कि आर्सेनिक एल्बम नामक दवाई प्रिवेंटिव काम कर सकती है। तो आपको जब भी ऐसा लगे तो आप हमको कॉल करिए, हमारी टीम जाएगी और उनको निःशुल्क दवाइयाँ वितरण करें। डॉक्टर साहब, वैसे तो क्या है कि हमारे जो बंदी बीमार होते हैं या इस प्रकार की सर्दी खांसी जुकाम की जो प्राइमरी समस्या रहती है वो तो हमारे जेल चिकित्सा माध्यम से हम निराकरण कर लेते हैं, लेकिन इस वायरस के संक्रमण से अभी वर्तमान में थोड़ा सा एक डर और भय बना हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग जो एलोपैथी दवाई उसके माध्यम से उपचार तो करेंगे ही, यदि आपका सहयोग और आपका थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन मिलता रहे या हमारे बंदियों के लिए कैंप आयोजित कर सकें, तो हम एक चाहते हैं कि एक कैंप आपकी तरफ से हमारे यहाँ बंदियों के लग जाए तो वो उनके उपचार के लिए काफ़ी सार्थक सिद्ध होगा, ऐसी मेरी आशा है आपसे। तो मैं ये चाहूँगा कि हो सकता है कि इसी फरवरी के किसी भी वीक में एक कैंप आयोजित करके उनका उपचार या उनके लक्षण उसके जो फैलने के जो लक्षण हैं उनके बारे में बंदियों को जागरूक किया जा सके, इस हेतु एक कैंप और उपचार किस तरह से किया सकता है इसके बारे में हम बिल्कुल कर देते हैं। और उनको खान पान के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनको खट्टा ठंडा चीज़ें नहीं सेवन कराएं, आप गर्म से गर्म चीज़ें दें तो उससे उनको सर्दी नहीं होगी, और हम एक कैंप भी लगा देंगे और उनको प्रिवेंटिव डोजेज भी निःशुल्क वितरण कर देंगे। बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत धन्यवाद।